ये गॉड एप्पल जिसको खाने से अपन को मिलती है बहुत सारी पावर, जैसे अपन लावा में तैर सकते हैं, अपन मरने से बच सकते हैं और बहुत सारे हेल्थ भी मिल जाती है अपन को। तो आज मैं कलेक्ट करने वाला हूँ ऐसे ही 100 गॉड एप्पल्स। पर क्यों, तो ये बात है कुछ दिन पहले की, जब मैं अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में बड़े आराम से खेल रहा था तब मैंने गलती से अपने वर्ल्ड के अंदर एक वायरस को स्प्रेड कर दिया और उस वायरस ने मेरे वर्ल्ड के बहुत सारे जानवरों को अपने शिकंजे में ले लिया था और उन्हीं जानवरों में मेरा पेट पोपला भी आता जो कि सिर्फ मरने के कगार पे खड़ा हुआ था। इसलिए आज मैं 100 गॉड एप्पल्स कलेक्ट करने वाला हूँ जिससे उनकी मेडिसिन बना के मैं अपने वर्ल्ड और अपने पोपला को बचा सकूँ। और इसके अंदर एक और चैलेंज है, मेरे को सारे के सारे गॉड एप्पल्स बिना साउंड के कलेक्ट करने पड़ेंगे, मेरे कोई आवाज नहीं आएगी। अब इन गॉड एप्पल को मुझे कलेक्ट करना है एंजल सिटीज से, तो उसके लिए अपन पहले सामान निकाल रहे थे क्योंकि वहाँ पे वार्डन भी होगा तो उसे फाइट भी करनी पड़ सकती है अपन को। तो थोड़े से गोल्डन एप्पल ले लेते हैं और बहुत सारी वुल ले लेते हैं जिससे अपन वहाँ पे आराम से घूम सकें। अब मेरे पास पहले के 26 गॉड एप्पल्स तो पड़े हुए हैं लेकिन मैं इनको यूज नहीं कर सकता क्योंकि पुराने हो चुके, मुझे नए के नए लाने पड़ेंगे 100। अब मैं पहली एंजल सिटी वहाँ पे जा रहा हूँ, जब मैं पिछली वीडियो के अंदर गया था तो वहाँ पे मैंने लूटा नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे गॉड एप्पल्स पड़े होंगे। और जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा मैंने देखा कि यहाँ पे पहले से एक वार्डन स्पॉन हो रखा है, तो मैंने इसको ऊपर से ना मारा है उससे और वार्डन को मारते मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था लूटना। पहली चेस्ट में तो मेरे को कुछ भी मिला नहीं और सेकंड चेस्ट में मुझे मिला एक वार्ड आर्मर ट्रिम, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ चेस्ट में मुझे कुछ भी नहीं मिला ऐसा काम का। पर यहाँ पे मुझे बहुत सारे ना डायमंड के और तो मिल रहे थे तो मैं इनको भी निकाल रहा था और इतने सारे डायमंड्स मैं इसलिए कलेक्ट करता क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। और फिर जब मैं 6 चेस्ट पे गया तो उसके अंदर मेरे को 2 एंचेंटेड एप्पल मिल गए थे और जब मैंने आगे और लूटा तो मेरे को एक चेस्ट के अंदर 4 एंचेंटेड एप्पल मिल गए थे जो कि बहुत ज्यादा रेयर है। और बिना साउंड को खेले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कब वार्डन स्पॉन हो रहा है कब नहीं हो रहा है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत चेस्ट और लूटी और आप बिलीव नहीं करोगे मेरे को एक चेस्ट में क्या मिला, जो कि था साइलेंस आर्मर ट्रिम। और अपन को अपनी फर्स्ट एंशियंट सिटी में साइलेंस आर्मर ट्रिम मिल गया जो कि बहुत ज्यादा रेयर होता है। उस एंशियंट सिटी से मेरे को 6 गॉड एप्पल्स मिल गए थे। अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट वाली पे। यहाँ पे स्टार्टिंग की 5 चेस्ट में तो मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं मिला था लेकिन जो 6th वाली थी उसके अंदर मेरे को 2 एंचेंटेड एप्पल मिल गए थे और उसकी नेक्स्ट वाली में से मुझे एक और मिल गया था। और ये लूटने के बाद मैंने यहाँ से बहुत सारे डायमंड के और निकाल लिए और चेस्ट को लूटने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी कहीं से भी स्पॉन हो रहा था, मेरे को पता भी नहीं पड़ा था कहाँ पर आया। अभी तक अपने पास टोटल 9 गॉड एप्पल्स हो चुके हैं। अब अपने नेक्स्ट वाली पे जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे कितने मिलते हैं। फिर थर्ड वाली में मैंने बहुत सारी चेस्ट लूटी लेकिन मेरे को अभी तक तो एक भी गॉड एप्पल नहीं मिला। हाँ लेकिन इन चेस्टों को लूटते लूटते मैंने एक ही एंशियंट सिटी के अंदर 3 वार्डन स्पॉन कर दिए थे। फिर मैंने यहाँ पे और चेस्ट लूटी लेकिन एक भी गॉड एप्पल नहीं मिला तो मैं दूसरी वाली एंशियंट सिटी पे चला गया और यहाँ पे बहुत सारी चेस्ट लूटने का मेरे को 4 गॉड एप्पल्स और मिल गए थे। और इस नूब से बालक को मार के अपन को एक एडवांस भी मिल गई थी मस्सी। और वार्डन ने इतना परेशान कर रखा ना, हर जगह अंधेरे अंधेरे कर देते, मेरे को चेस्ट नहीं थी, मेरे को रास्ता नहीं दिखता कि जाऊं कहां पे। भाई ये दोनों मिलकर जो ज़ॉम्बीज को और मॉब्स को ना परेशान कर रहा है ना, यहाँ पे क्या बताऊं, सबके पीछे पड़ रहा है और भाग रहे हैं भाई इनको मारने के लिए। फिर मैंने जल्दी जल्दी 2 एंशियंट सिटीज और लूट ली और अभी तक मेरे पास हो गए थे टोटल 23 गॉड एप्पल्स। और जो मुझे डायमंड के ओर्स मिले थे मैंने उनको भी माइन कर लिया फॉर्चून 3 से और उससे बहुत सारे अपन को डायमंड्स मिल गए। अब मैं वापस जा रहा हूं अपने बेस की तरफ क्योंकि मेरे सारे के सारे रॉकेट्स खत्म होने वाले और मेरा खाना खत्म हो चुका है बिल्कुल। अब यहाँ पर पहले अपन फार्मिंग कर लेते कैरेट्स की क्योंकि अपन कैरेट्स ये बहुत सारे जिससे अपन गोल्डन कैरेट्स बना पाए। अब खाना बन चुका है, अपन चल रहे हैं अपने गन पाउडर फार्म के ऊपर क्योंकि वहां से मेरे को निकाल रहा है गन पाउडर जिससे अपन रॉकेट बनाएंगे। और यहाँ पर तो ज्यादा गन पाउडर नहीं थे तो मैं भूल गया था अपने स्टोरेज रूम में बहुत सारे पड़े हुए हैं, अब इनसे बना लेते हैं बहुत सारे रॉकेट। लेकिन अब एक चीज की कमी पड़ रही थी जो कि थी पेपर्स और मेरे शुगर केन फार्म में ज्यादा शुगर केन भी नहीं थे तो मेरे को यहाँ पे एफके रहना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे वेट करते हैं पर रहने शुगर केन निकलने का। फिर थोड़ी देर एफके करने के बाद मैं बहुत सारे शुगर केन आ गए थे तो मैंने यहाँ पे इनको बना लिया रॉकेट। अपने पास हो चुका बहुत सारा खाना बहुत सारे रॉकेट तो अपने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैंने बहुत सारे ऑफ्रेडियन निकाले क्योंकि अब मैं जाऊंगा नेदर रूफ से हर एंशियंट सिटीज पे। तो चलो चलते हैं अपन पोर्टल बना के एंशियंट सिटीज पे और ये गिरे अपन डायरेक्ट एंशियंट सिटी के ऊपर। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि कितने गॉड एप्पल्स मिलते हैं। काश 5-6 से ज्यादा मिलने चाहिए यार। अब यार ये बार बार डार्कनेस दे देता है और मुझे समझ भी नहीं आता आ कहां से रहा, मैं कोने में छुप के बैठना पड़ता है यार। चलो चलते हैं यहाँ की फर्स्ट चेस्ट लूटने के लिए, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सामान है। लेकिन यार इसमें कुछ भी नहीं है काम का। अभी सेकंड वाली में देखते हैं इसके अंदर कुछ है और वाह 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 मिल गया एक और मिल गया। थर्ड वाली में कुछ है क्या, अच्छा हाँ अरे वार्ड आर्मर है, चलो ये तो काम आएगा। फोर्थ वाली में देखते हैं इसमें क्या है, अरे दो गॉड एप्पल है और इसमें वार्ड आर्मर ट्रिम भी। वाह अरे यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई गाइस, पता क्या हुआ, मेरी इन्वेंटरी में से रॉकेट खत्म हो चुके और ऊपर वार्डन स्पॉन हो गया। पहले यहाँ पे मैं शेल्टर बॉक्स के अंदर से रॉकेट निकाल लेता वरना मेरे को ऊपर जाने नहीं देगा वो। अब चलते हैं अपन ऊपर और देखते हैं वो कहाँ पर है भाई, आजू बाजू नहीं होना चाहिए बस मेरे यार। डार्कनेस का इफेक्ट दे रहा है, मेरे को पता नहीं है वो कहाँ पर है। अरे चला गया इफेक्ट गया ना जाने कैसे बच गया मैं, अगर मैं नीचे नहीं जाता ना खोद के तो वो आज मेरे को भागा भागा के मारता। फिर मैंने यहाँ की सारी चेस्टें लूट ली, बहुत सारी थी सबकी सब लूट ली लेकिन मेरे को एक भी गॉड एप्पल नहीं मिला। अब नेक्स्ट वाली एंशियंट सिटी पे गया मैं और वहाँ पे इतना सारा लूटा, मैंने इतनी सारी चेस्टें लूट ली लगी साला एक भी गॉड एप्पल नहीं मिला, मेरा पूरा का पूरा टूट गया। अब मैंने 2 घंटे तक बहुत सारी एंशियंट सिटीज लूटी, बहुत सारी चेस्टें लूटी और चेस्ट में मेरे को ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल गई थी और बहुत सारे गॉड एप्पल्स भी मिल गए थे, अपन को मजा आ गए थे। और बीच में यहाँ पे मेरी जो वार्डन से फाइट हुई भाई, उसने सोनिक बूम मारो मैं बच गया बस मरने से, मेरा टोटम यूज हो गया। और ये टोटम नहीं होता ना तो मेरा आज वर्ल्ड तो जा चुका होता, मैं फटाफट से उड़ के गया फिर मैं यहाँ पे छुप गया जाके। और वहां से भागने के बाद भी इसे मेरे पीछे नहीं छोड़ा तो कैसे भागता आ रहा है मेरे को मारने के लिए, इसको आ जाती है आवाज अपनी कहाँ पर है अपन। और दोस्तों अभी तक अपने पास हो चुके टोटल 43 गॉड एप्पल्स, अपन को 57 और चाहिए और इसमें इतना टाइम लग रहा है ना, हालत खराब हो रही है वार्डन के अंधेरे की वजह से। इस वाली जगह मैंने कभी भी नहीं लूटा आज तक, इसके अंदर भी खाना मिलता है चेस्ट में, इस चेस्ट में कुछ अपन को मिलेगा। यस इसमें गॉड एप्पल है और इसके अंदर कितने देखते अपन, ओ ये यहाँ पे भी 2 है मिलकर बहुत बढ़िया। इस सिटी की भी लूट पूरी हो चुकी है अपनी और मेरे को लग रहा है मैं यहाँ से भिड़ भिड़ के मरूंगा किसी न किसी दिन। अरे यार कितना भिड़ेगा, रुक जा भाई और बच गया भाई मैं, हॉफ आउट बचाओ। अब यहाँ से उड़ के चलते अपनी नेक्स्ट एंशियंट सिटी पर और यहाँ पे बारिश और हो रही है, बारिश इतनी घटिया लगती है ना मेरे को क्या बताऊं। चलो फटाफट से 2 एंशियंट सिटीज की चेस्ट और लूट लेते और देखते अपन को कितने गॉड एप्पल्स मिलते हैं इन सब में से। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपनी पिछली वीडियो में जिन जिन ने अपन से शाउट आउट मांगा था अपन उनको शाउट आउट दे देते हैं। फर्स्ट अपन देंगे गौरव मेलो को पिंक शीप पे, सेकंड अपन देंगे मानस पांडे को ब्राउन पांडा के ऊपर, पांडे पांडा मैच कर रहा है बहुत बढ़िया। और थर्ड अपन देंगे रॉकी को जिन्हें ब्राउन पांडा में मांगा था लेकिन वो तो पहले कोई और भी मांग चुका है तो इसलिए अपन इनको देते हैं ब्लू
ब्लू एक्सलॉटो के ऊपर। और यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे दो दो एंशियंट सिटीज एक साथ जुड़ी हुई, बिल्कुल एक छेद में से इधर जाऊंगा ना तो उधर एक एंशियंट सिटी, इधर जाऊंगा तो दूसरी एंशियंट सिटी है। और इन दोनों में से मुझे टोटल 11 गॉड एप्पल्स मिल गए। अब बहुत घंटे तक मैंने बहुत सारी एंशियंट सिटीज लूटी, मैंने बहुत सारे वार्डन से लड़ाई की, बहुत सारी चेस्टें लूटी, बहुत बार वार्डन से पिटते पिटते और मरते मरते ही बचाऊ मैं। और इतने घंटों की मेहनत के बाद फाइनली मेरे पास हो चुके थे 75 गॉड एप्पल्स, जो कि बहुत ही ज्यादा है भाई, बहुत मजे आ गए। अब तक मेरे सारे के सारे टोटम यूज हो चुके जो भी मैं लेके गया था, क्योंकि ना बहुत बार मैं मरते मरते बचाऊं उससे, तो मैंने वापस से घर जा रहा हूं टोटम लेने के लिए। तो चलते अपन नेदर में से उड़ के फटाफट से अपने घर पे, क्योंकि यहां से बहुत पास पड़ जाता है हर चीज। चलो फाइनली 8 मिनट रास्ता ढूंढने के बाद अपने घर के पोर्टल तक पहुंच ही गया। और जैसे मैं घर पे पहुंचा मैंने देखा यहां पे बहुत ज्यादा वायरस स्प्रेड हो चुका था, मेरा पूरा बेस इस पे कवर हो चुका था। और इसके साथ साथ जो मेरा पोपला था उसके पूरे बॉडी में भी वायरस फैल चुका था, देख रहे होंगे आप। मेरे विलेजर्स तक इस वायरस की चपेट में आ चुके थे, तो मेरे को समझ में आ गया था मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है सबको ठीक करने के लिए। फिर मैंने 1.5 घंटे तक और एंशियंट सिटीज लूटी, लेकिन मेरे को एक प्रॉब्लम आ गई थी, मेरी वीडियो करप्ट हो गई थी, तो मैंने उसको कैसे भी करके रिपेयर तो कर लिया, लेकिन वो लो क्वालिटी में रिपेयर हुई। तो इसलिए 2 घंटे मैंने जो जो किया था ना उसकी छोटे छोटे क्लिप्स आपको मैंने दिखा दी। और अभी तक अपने पास टोटल हो चुके 82 गॉड एप्पल्स और अपन को 18 और चाहिए। फिर मैं लग गया वापस से ढूंढने के लिए, लेकिन मेरे को ना कंटिन्यू 2 एंशियंट सिटीज के अंदर एक भी गॉड एप्पल नहीं मिला। और एक जगह तो मेरे पीछे वार्डन पड़ गया था, जो मेरे को साउंड भी नहीं रही थी कि वो आ कहां से रहा है, तो वो बार बार मेरे को मारा जाता, तो मेरे टोटम ने बचा लिया था उसमें को। चलो यहां पे चलते और चेस्ट लूटने के लिए, देखते और किसी में अपन को एंशियंट एप्पल मिलेगा क्या। ये चेस्ट भी पूरी की पूरी खाली है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। और ये वार्डन पता नहीं कहां कहां से आ रहा है, मेरे को समझ भी नहीं आता, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, मेरे को कुछ दिख भी नहीं रहा, मैं तोड़ के आ रहा हूं, बस मेरे को चेस्ट दिख रही है वो निकाल रहा हूं मैं। तो गॉड एप्पल्स तो मिल रहे हैं अपन, और ही निकाल रहे डायमंड के कम से कम। इस एंशियंट सिटी के अंदर भी मुझे ना एक भी गॉड एप्पल नहीं मिला, पहले इतनी अच्छी किस्मत चल रही थी, एक में 6-7 मिल रहे थे, अब एक भी नहीं मिल रहा। तो मैं उड़ के आ गया वहां से अगली एंशियंट सिटी पे। चलो यहां पे एक्सप्लोर करते हैं अपन को इसमें चेस्ट में, देखते हैं क्या नहीं है यार। पहले अंधेरा दे देता है यार, चेस्ट खोलने तो दे भाई यार, क्या लप्पू सी चेस्ट मिल रही है, इतनी देर हो गई मेरे को ढूंढते ढूंढते, एक गॉड एप्पल नहीं मिला यार, इसमें कुछ मिल जाए प्लीज यार। उसमें दो दो मिल गए, दो मिल गए इसके अंदर, दो मिल गए, मजा आ गया। कहीं पर तो आसपास घूम रहा है, इफेक्ट दे रहा है मेरे को डार्कनेस का यार, कहीं तो चलो चला गया। अरे यार सामने ही सामने ही तो चला जाए, एरो से प्लीज तो चला जाए, ये सही है एरो से उधर भाग जाते हैं। अब तो देख भी नहीं रहा है कहां पर चला गया, भाग 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 कर रहा है तुझे मेरे को मारने के लिए। बच गया मैं और उससे मेरे मुंह पर आ चुका था, बिल्कुल एक शॉट मुड़ा देता है मेरे को। क्या इस वाली चेस्ट में कुछ मिलेगा, कैसे मिलेगा? ओ भाई तीन तीन एक साथ, भाई भाई मजा आ गया, तीन तीन एक साथ मिल गए। और इसके पास वाली मेरे को एक और मिल गया था, वही मजा आ गया, बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं अपने। अब टोटल 88 गॉड एप्पल्स हो चुके हैं। अब जा रहा हूं मैं दूसरी वाली एंशियंट सिटी पे, इधर भी कुछ ज्यादा मिला नहीं अभी तक। ओ भाई ये सामने से उग रहा है, भाई देखो ये सामने से उग रहा है, आवाज तक नहीं आ रही उसकी, मेरे को कहां से उग रहा है। इस चेस्ट के अंदर कुछ देखते हैं, और तीन तीन गॉड एप्पल। वार्डन भैया मुझे कभी चैन से लूटने दोगे? जैसे एक चेस्ट खोली उसमें से भी निकल के आ गए, और यहां पर भी एक चेस्ट इसमें देखते हैं, और एक और मिल गया, एक और मिल गया, आजू बाजू में चार चार मिल गए। अब इस सिटी की चेस्ट भी सारी की सारी मैं लूट चुका, और अपने पास हो चुके 92 गॉड एप्पल्स। अब अपने को बस 8 और लेने। और यहां तो पहली चेस्ट खोलते मुझे दो दो गॉड एप्पल मिल गए थे, और अब बचे सिर्फ 6, और इसमें मिल जाए तो मजा आ जाए। और दोस्तों यहां पे मैं क्या हगा हूं, मेरे को ना 2 गॉड एप्पल दिखे यहां पे, लेकिन मैं एक उठा के लाया वार्डन के डर से, और एक वहीं पे छोड़ा है। बाद में मैंने रिकॉर्डिंग देखी तब मुझे पता पड़ा कि मैं एक छोड़ाया वहां पे। और थोड़ा सा आगे जाकर ही मुझे एक चेस्ट के अंदर एक और गॉड एप्पल मिल गया था। अब यहां की भी सारी की सारी चेस्ट मैं लूट चुका, और अपने पास हो चुके 96 गॉड एप्पल। अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट वाली पे, और इस सिटी के अंदर आते मेरे को एक साइलेंस स्ट्रीम और मिल गया था, जो कि आपको पता है कितना रेयर होता है, मेरे टोटल अभी तक 7 हो चुके हैं। और यहीं पे पीछे वाली चेस्ट में मुझे 2 गॉड एप्पल और मिल गया। अब उनको सिर्फ है ना 2 बच्चे लेने के लिए। उनको देखो कैसे भागते हुए, मचलते हुए, एकदम से मच्छर नहीं आ जाते, मचलते हुए इनको तो मार के जाऊंगा इन दोनों को। कुछ भी कहो इनकी हेल्थ बहुत ज्यादा होती है यार। फिर 2 चेस्ट मैंने और लूटी, लेकिन उसके अंदर तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मेरे को उसके बाद वाली चेस्ट में 2 गॉड एप्पल और मिल गए एक साथ। और अब अपने पास हो चुके टोटल 100 गॉड एप्पल्स। शायद इसको पता पड़ गया मैं यहाँ पर हूँ ना, इसलिए मेरे को जाने नहीं दे रहा है। 100 एप्पल्स हो चुके हैं मेरे पास, इसलिए भाई आ गया, भाई आ गया, प्लीज इधर मत आ, प्लीज इधर मत आ, उधर चला जाए उसमें, उड़ के चढ़ मुंह पर आ गया बिल्कुल। अब मैंने लालच के चक्कर में सिटी की और चेस्ट लूटी की, सोचा और गॉड एप्पल मिल जाए, लेकिन एक भी नहीं मिला। अभी देखो भाई अपने पास कितने सारा सामान हो चुका है, 7-7 साइलेंस आर्मर ट्रिम, और इतने सारे शार्ट्स, और इतने सारे वार्ड आई ट्रिम, और मोस्ट इंपोर्टेंट 100 गॉड एप्पल्स। अब फटाफट चलते हैं अपने बेस की तरफ, नेदर पोर्टल बनाते हैं, नेदर में से जाते हैं। फिर मेरे बेस पे पहुंच के मैंने इस वायरस का एंटीडोट बना के पूरे बेस को और पूरे अपने वर्ल्ड को सही कर लिया।